हेलो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और सबसे अधिक जो विश्व की जो अधिकांश जो देश हैं उनकी जो व्यवस्थाओं में दिखने वाली जो शासन प्रणाली है उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, वो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकतंत्र के ऊपर रहेगा, अर्थात डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो कि दो इन शब्दों से मिलकर बनता है, डेमोस अर्थात लोक, क्रेसिया अर्थात शासन। तो सामान्यतः इसके शब्दार्थ को देखने पर ही पता चल जाता है कि इसका अर्थ या भावार्थ क्या है कि लोगों का शासन। तो ऐसा शासन जिसमें लोगों की सहभागिता रही हो। तो जो लोकतंत्र है वो कोई नया ऐसा विषय नहीं है या नया ऐसा एकदम से आया कोई शासन का रूप नहीं है, यह बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। यदि हम राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से देखें तो ग्रीक काल में हमें यह देखने को मिलता है, उसके बाद आधुनिक काल में लॉक, रूसो, जेएस मिल आदि के चिंतन में हमें यह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज दुनिया का जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को लोकतांत्रिक मानता है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, उदारवाद, समाजवाद या फासीवाद, तो उसका कारण यह है कि लोकतंत्र दुनिया में अब तक की खोजी गई सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। और वो क्यों है कि प्रथम तो इसमें जो शासित व्यक्ति है वो निर्णय करता है कि उस पर शासन कौन करेगा। दूसरा, इसमें जो शासक है वो जनता के प्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील रहता है। यदि वो ऐसा नहीं रहेगा तो उसे वापस से वैधता या समर्थन प्राप्त नहीं होगा और वो वापस से सत्ता में वापस से नहीं आ सकता। तीसरा, इसमें जो व्यक्तिगत स्वायत्तता है, समानता, स्वतंत्रता जो संकल्पनाएं हैं उनको व्यवहार में साकार रूप मिलता है। तो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, वो सभी मूल्य हमें इसी ही शासन की जो प्रणाली है लोकतंत्र उसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें जो अधिकांश जो शासन व्यवस्थाओं में जो दोष हैं, जो कि इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं में हम शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलते हैं, जैसे व्यक्ति की गरिमा का हनन, शासन में सहभागी होने में अवरोध आदि को यह निवारित करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है वो व्यक्ति की स्वायत्तता में विश्वास करती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है उसको वातावरण तैयार करती है और अधिकांश रूप में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने का, उनको ग्रहण कराने का कार्य मुख्य रूप से जो उत्तरदायित्व है वो लोकतंत्र में ही निभाया जाता है। तो जो लोकतंत्र है वो विवेक, स्वतंत्रता, समानता, विमर्श, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता तथा बहुमत आश्रित जो निर्णय प्रक्रिया है आदि मूल्यों पर यह बल देती है। तो जो उदारवाद के जो मूल्य हैं, प्राकृतिक अधिकार, कानून का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यद भाव्यम तथा लेसेज फेयर आदि से जो है वो सब यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि लोकतंत्र एवं उदारवाद जो परस्पर विरोधी है, क्योंकि जो उदारवादी होगा वो लोकतंत्र का समर्थक होगा और उदारवाद के जो भी चिन्ह हैं वो हमें सब लोकतंत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जो वर्तमान में जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो उदारवादी लोकतंत्र का ही स्वरूप हमें अधिकांश देशों में देखने को मिलता है। तो ये लोकतंत्र का एक तरीके से एक कि कब कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसका मुख्य भावार्थ क्या है। अब इसका यदि हम अर्थ पर चर्चा करें तो जैसा हर्न शाह ने कहा है कि लोकतंत्र सरकार की नियुक्ति, उस पर नियंत्रण तथा अपदस्थ करने की विधि है। गिडिंग्स कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार, राज, समाज तीनों का मिश्रण है। ब्राइस कहते हैं कि राज्य की शासन शक्ति संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है। डायसी जो कि इंग्लैंड के बड़े विश्लेषक हैं शासन और संविधान के, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र का अधिकांश भाग इसमें शासक होता है। और जो सबसे लोकप्रिय और जो साधारण एक सरल अर्थों में जो परिभाषा दी वो अब्राहम लिंकन ने दी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, वो लोकतंत्र है। तो इस प्रकार सभी यदि परिभाषाओं की हम विश्लेषण करें तो ये पता चलता है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन का रूप है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होती है। लेकिन शुरुआत से ही ग्रीक काल से यदि हम देखें तो आज तक जो राजनीतिक दार्शनिक हैं उनमें हमेशा मतभेद रहा है कि जो ग्रीक काल में यह माना जाता है कि जनता अर्थात
गरीब व्यक्तियों को जनता की श्रेणी में रखा जाता था जो कि अविवेकी होते थे। तो यदि उस अर्थ में देखें तो ग्रीक काल में लोकतंत्र जनता का शासन हो ही नहीं सकता, लेकिन विश्लेषण जब किया जाता है तो यह माना जाता है कि ग्रीक काल से ही लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है वो ग्रीक काल में ही देखने को मिलता है। तो जो गरीब व्यक्ति अर्थात जो कि जनता का भाग है, जो कि अविवेकी है, वो कैसे किस प्रकार से, यदि प्लेटो अरस्तु का हम चिंतन देखें तो वो इसके लोकतंत्र के बड़े विरोधी थे और उनके अनुसार जो अविवेकी जो व्यक्ति हैं वो लोकतंत्र में भाग लेते हैं। दूसरी समस्या यह है कि क्या जनता स्वयं शासन कार्य में भाग ले सकती है। तो यदि हम ग्रीक काल के ऊपर चर्चा करें तो उस समय के जो छोटे नगर राज रहे होंगे उसमें ये संभव था, लेकिन वर्तमान में जो इतने बड़े नगर और जो राज्य हैं वहाँ यह संभावना आधुनिक काल में नहीं देखने को मिलती कि व्यक्ति या जो जनता है वो स्वयं शासन कार्यों में सहभागी बने। तो अब एक नई धारणा लोकतंत्र की आ गई है कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है। तो जैसा मैकाइवर ने कहा है कि जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग नहीं लेती, बल्कि वह इस बात का निर्णय करती है कि उन पर शासन कौन करेगा और कौन नहीं। तो इसलिए जो आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बजाय जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो रूप हमें अधिकांशतः देखने को मिलता है। तो इस आधार पर जो लोकतंत्र हैं उसके जो दो प्रकार हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं उसके समर्थक हैं रूसो, और जिसमें कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में सहभागी बनती हैं, जिसके कुछ चिन्ह भी हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में हैं हमें आज भी देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे प्रत्याहार उपक्रम आदि वगैरह, जिनमें कि जनता जनमत संग्रह के माध्यम से कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज हमें स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में आज भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बढ़ते हुए जनसंख्या और बढ़े हुए देशों का जो भाग है, विस्तारित होते हुए भाग, इतने बड़े बड़े देश हैं आज जिनमें संभव नहीं है कि जनता प्रत्येक कार्यों में सहभागी हो सके। तो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेते हैं, जिसे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और जिसके समर्थक हैं जेएस मिल, जिसमें जनता स्वयं नहीं उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन कार्यों में सहभागिता होती है। तो यदि हम दोनों की तुलना करें तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जनता स्वयं शासन कार्यों में भागी होती है, जबकि अप्रत्यक्ष में जो उनके प्रतिनिधि हैं जनता के वो शासन कार्यों में सहभागी होते हैं। यहाँ जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ शासक के शासित में कोई भेद नहीं होता, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह भेद विद्यमान रहता है। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो एक सबसे बड़ी बात यह है, जो राजनीतिक दल हैं और जो दबाव समूह हैं उनका सदा अभाव रहता है, क्योंकि जब जनता सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से शासन में सहभागी बनेगी तो बीच में इनकी हमें फिर कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती, इसलिए इनका यहाँ अभाव रहता है। जबकि आधुनिक लोकतंत्र है जो कि उदार लोकतंत्र है, वहाँ जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह आदि का हमेशा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि इनके ही माध्यम से जो जनता के जो हित हैं उनका स्पष्टीकरण होता है, हितों का समूहन होता है, तब जाकर वो व्यवस्था के पास जाकर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि हमें सर्वप्रथम यूनान में देखने को मिलता है और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में हमें यह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमने अभी तक लोकतंत्र के अर्थ और उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों के ऊपर चर्चा की। अब यदि हम देखें कि वर्तमान जो अधिकांश से जो देश है वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण से जो लोकतंत्र का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो है उदार लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो अधिकांश देशों में यह विकसित हुई है, और सबसे अधिक प्रचलित लोकतांत्रिक अवधारणा भी यही है, और इसी को प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। जिसकी यदि हम विशेषताओं के बारे में करें तो नियमित चुनाव यहाँ देखने को मिलते हैं, प्रति 5 वर्ष
जहाँ भी कोई व्यवस्था है, कहीं कहीं 4 वर्ष राजनीतिक दलों का यह अस्तित्व होता है। एक निर्वाचक मंडल होता है जिसके माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे यदि भारतीय दृष्टिकोण से देखें, यदि हमें कार्यपालिका का जो सर्वोच्च स्तर जैसे राष्ट्रपति को चुनना है, तो पहले एक निर्वाचक मंडल बनता है जो कि हमारी संसद और जो राज्य की जो विधानसभा है उनसे मिलकर, और उनमें जो बैठने वाले जो सदस्य हैं जिनसे एक निर्वाचक मंडल बनता है, वो भारतीय आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राजनीतिक बहुलवाद पाया जाता है या एकलवाद नहीं पाया जाता है, अर्थात राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं उनका विकेंद्रीकरण हुआ रहता है। राजनीतिक दलों के मध्य यहाँ प्रतिस्पर्धा रहती है, यानी कि एक दलीय की प्रधानता है या दो दलीय की प्रधानता है। कोई भी दल एक स्वतंत्र और सहभागी रूप से चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकता है। तो उदार लोकतंत्र लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक स्वरूप पर बल देता है, और इसमें जो औपचारिक राजनीति है उसकी समानता पर बल दिया जाता है, आर्थिक समानता पर नहीं। तो कोई भी लोकतंत्र बिना आर्थिक समानता की स्थापना के राजनीतिक समानता को वास्तव में मूर्त रूप प्रदान नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो यह है कि सामूहिक निर्णयों पर सार्वजनिक नियंत्रण लागू करने में अधिकारों की समानता, संगठन की निर्णय निर्धारण पद्धति, ये सारी जो विशेषता है वो उदार लोकतंत्र में देखने को हमें मिलती है। अब यदि हम लोकतंत्र की जो गुण हैं उन पर यदि हम चर्चा करें, तो जो लोकतंत्र है वो सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम करता है, क्योंकि इसमें जो स्वेच्छाचारी शासन होते हैं या अधिनायक तंत्र जैसे शासन होते हैं जिसमें जो शासन के आदेश ही कानून होते हैं, उस प्रकार की संभावना देखने को हमें नहीं मिलती। सत्ता अपनी मनमाना शक्तियों का दुरुपयोग जनता के ऊपर नहीं कर सकती। जनसाधारण की सहभागिता इसमें सुनिश्चित होती है, क्योंकि जो सरकार अब समय में जो काबिज है वो वापस से यदि सत्ता में आना चाहती है तो वो केवल जनता की इच्छा पर ही निर्भर रहती है, और वो तभी हो सकता है जब उसे वो वापस से वैधता प्रदान करते हैं, और वैधता तब मिलेगी तब वो सार्वजनिक हित में या जनहित में कार्य करेगी, अर्थात लोक कल्याण के कार्य वो करेगी। इसमें जनशिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है, परस्पर सद्भावना और जो सम्मान का जो विस्तार है वो इसके समाहित रहता है, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता के ऊपर ही लोकतंत्र आधारित रहता है। यदि हम इसके दोषों को देखें, जो कि बहुत कम है, जो कि आलोचकों के अनुसार होते हैं कि ये भीड़ तंत्र है, कि इसमें जो बहुमत का शासन होता है कि एक को अधिक वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाता है, फिर इसका मतलब जो अल्पसंख्यक है उनका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता है, तो वो इसको भीड़ तंत्र मानते हैं कि जो सत्ता है वो सब में बटी हुई होती है और सब उसका मनमाना प्रयोग करते हैं। अविवेकी शासन होता है, क्योंकि इसमें चुनाव में कोई भी भाग ले सकता है और बहुमत के आधार पर जीतकर वो सत्ता में काबिज हो जाता है, तो कम विवेकी व्यक्ति भी शासन का भागी बन जाता है। और भ्रष्ट नेतृत्व होता है, जैसे कि चुनाव में लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं तो कोई भी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का जो इंसान है वो भी चुनाव में भाग लेकर सत्ता पर काबिज हो सकता है। अतिव्यय, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं तो बड़ी चुनावी मशीनरियों का इसमें प्रयोग होता है जिससे बहुत सारा धन खर्च होता है, तो इस दृष्टि से जो आलोचक हैं इसको अतिव्यय की शासन प्रणाली भी मानते हैं। लेकिन ये सब आलोचना की दृष्टि से, लेकिन कुल मिला के वर्तमान में व्यवहारिक रूप से हम देखें तो शासन प्रणालियों में जो सबसे सफलतम जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र ही है। और यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वहाँ बड़े सफल रूप में आज लोकतंत्र स्थापित है, चल रहा है, और लोगों को सभी को समान रूप से सभी अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय उपलब्ध हो रहे हैं। यदि इस प्रकार से ये दोष हम लोकतंत्र प्रणाली में माने कि ये दोष वाकई में है और इससे ये एक असफल शासन प्रणाली है, तो यह सही मायने में सटीक साबित नहीं होती। अब एक लास्ट इसमें कि भाई लोकतंत्र की सफलता की जो शर्तें हैं वो, तो यदि हम देखें कि जी विश्लेषक ये मानते हैं कि जो लोकतंत्र की एक सर्वसम्मत परिभाषा होनी चाहिए। जैसा किसी ने कहा कि सभी व्यक्तियों का इसमें भाग होता है, कोई कहता है कि यह शासन राज्य समाज तीनों का मिश्रण है, कई विश्लेषक ये मानते हैं कि जनता का जनता के लिए शासन है
और सरकार की नियुक्ति, उस पर नियंत्रण, अपदस्थ करने की विधि है। तो इसकी सफलता तभी होगी जब एक सामान्य भाषा में इसकी एक सर्वसम्मत परिभाषा होनी चाहिए, जिससे कि इसे आलोचना का शिकार नहीं होना पड़े। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली इसके अंतर्गत होनी चाहिए, जो कि समय समय पर जब चुनाव होते हैं तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो सकें, जिसमें कि जो धन बल, बाहुबल, इन सब का जो परिभाषाएँ हैं वो इनमें प्रयोग नहीं हो सकें। जो उत्तरदायित्व प्रतिनिधित्व है वो इसके अंतर्गत होना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्कृति की इसमें स्थापना होनी चाहिए। राजनीतिक दल हैं वो भी उत्तरदायी होने चाहिए, ये नहीं कि वो क्षेत्रीय स्तर पर गठित हुए राजनीतिक दल जो कि अपने निजी स्वार्थों के कारण कुछ मांगों के ऊपर गठित होते हैं और अपने निजी हितों की पूर्ति करते रहते हैं, अपने निजी हितों को सर्वोपरि रखते हैं और राष्ट्रहित को वो गौण रखते हैं। एक स्वस्थ विपक्षी दल और जो कि रचनात्मक भूमिका निभाए, ये नहीं कि वो भी अपने क्षेत्रीय भावनाओं से दबकर केवल अपने स्वार्थों की सिद्धि में लग जाए। यदि उसको लगता है कि जो सरकार है वो वाकई में कुछ गलत कर रही है तो उस पर वो सदन में उसके ऊपर जो टीका टिप्पणी है और आरोप है उनको बड़ी मजबूती के साथ रखें, जिससे कि वो उसको सोचने पर मजबूर कर सकें। और जो कि जनमत संचार और जो कि प्रेस है, जिसको कि लोकतंत्र का स्तंभ माने जाते हैं, उनकी भी जो भूमिकाएं हैं वो इसमें रचनात्मक, स्वस्थ और निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय जो मिलेगा, उसकी चौकसी का जो कार्य है, देख रेख का कार्य है कि भाई वाकई में उनको ये प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, इसके लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। सबसे बड़ा जागरूक जनता, यदि हमें शिक्षित जनता, जागरूक जनता जो अपने विवेक से काम ले सके, वो लोकतांत्रिक प्रणाली में अधिकांश रूप में होनी चाहिए, जिससे कि इसमें ऊपर जो आरोप लगते हैं कि अविवेकी शासन है, भ्रष्ट नेतृत्व है, यदि जनता इस प्रकार की जागरूक होगी तो इस प्रकार के चयन के दौरान वो इनको पहले ही सीढ़ी से बाहर कर देगी और इनको शासन का भाग नहीं बनने देगी। और अंतिम रूप में देखें तो लोकतंत्र में जनता का पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, कि जिस प्रकार से लोग जानते हैं कि हमारा राजनीतिक व्यवहार क्या है, हमारे राजनीतिक मूल्य क्या है, तो वो जब देखेगी कि भाई लोकतांत्रिक जो मूल्य और राजनीतिक जो मूल्य वो आपस में एक जैसे हैं, उनमें उनका समर्थन होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस शासन प्रणाली में जनता का अधिक से अधिक विश्वास होगा तो उस पर जो उठने वाले जो आरोप हैं और जो उसमें जो चिन्हित माने जाने जो दोष हैं, उनकी संभावना कभी भी हमें दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, आज हमने ये लोकतंत्र का अर्थ, प्रकार और उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और उसकी सफलता की जो आवश्यक शर्तें हैं, इन सभी पे चर्चा की। अब आज के सेशन में इतना ही। इसका जो अगला जो पार्ट है, जिसमें कि हम लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।